Assalamualaikum and welcome back to another reaction video. So this is Seher Khan and this is Shahzan Khan and you are watching Bros's Reactions. और आज के वीडियो का टाइटल होने वाला है जुनेद जमशेद's last and rare speech. तो इसमें जो दिखाया गया है वो उनकी लास्ट स्पीच जो रिकॉर्ड हुई थी उसे दिखाया गया है, जो उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री हमें पता है छोड़ दी थी. उसके बाद वो इस्लाम की राह पे आ गए थे, लेकिन जो धीरे धीरे लाइफ में उनके चेंजेस आए, उसके बाद वो एक फ़्लाइट से सफ़र करने जा रहे थे और उनके साथ जो हादसा हुआ था उससे पहले की ये स्पीच है. हाँ, और इसमें बेसिकली उन्होंने क्या बताया है अपनी स्पीच में, उन्होंने हम लोगों को क्या सीख दी है वो देखने के लिए हमें मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जमशेद की आखिरी नायाब तकरीर. जनाब इकबाल साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, आई एम ट्रूली हम्बल्ड वल्लाह that you know you have given me this opportunity to come here and speak in front of such a august audience. You people basically run every organization. Yani even if people call us the director, wo CFO hota hai jiske haath mein sab kuch hota hai. Aur आगे बात करने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा, ये जो आगे की रो में बैठे हैं इनसे नहीं, जो पीछे बैठे हैं, ये बताओ भाई माशरे से इन्फ्लेशन कैसे कम की जाती है? सारे सीएफओस बैठे हैं, पैसे वाले दिमाग वाले बैठे हैं, भी बताओ भाई, कोई जवाब दे मुझे, माशरे से इन्फ्लेशन कैसे ख़त्म की जाती है? बताओ भाई, कोई बोले कैसे ख़त्म की जाती है? हाँ जी बताओ भाई, इस पे ताली नहीं बजनी, बताओ भाई, मेरा सीरियस सवाल है. हाँ भाई, डिमांड कम, तो मेरा डिमांड कैसे कम की जाती है? जवाब दीजिए, डिमांड माशरे से इन्फ्लेशन, या मैं दे दूं जवाब, मैं दे दूं जवाब. माशरे में इन्फ्लेशन कम होती है जब माशरे में जो पैसा होता है वो रोल करता है. तो माशरे में इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाता है, मनी फ्लो. ये बात सबसे पहले किसने बताई, ये बात सबसे पहले किसने सिखाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. कि अगर माशरे में खुशहाली चाहिए, अभी वो माशरे की खुशहाली की बात कर रहे थे इकबाल साहब, यहां पर अभी जावेद जब्बार साहब, माशरे में लोग तब खुश रहते हैं जब माशरे में देने का मिजाज बनता है. बिल्कुल. होल्ड करने का मिजाज जब आ जाता है तो माशरे में पैसे की बहतात होती है, लेकिन लोग परेशान होते हैं. आज मैं कभी कभार सोचता हूं, मैं इधर आने से पहले सोच रहा था, मैंने गजाला बहन से मैंने ये कहा, मुझे क्यों बुला रही हैं आप यहां पर, क्योंकि मैं तो हर बात मुशाहदे के खिलाफ करूंगा, जो आपकी किताबों में जो कुछ लिखा है मेरी हर बात उसके खिलाफ होगी. लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप ऐसे ज़हीन इंटेलेक्चुअल्स हैं कि जो बात मैं आपके सामने करूंगा आप उससे अग्री भी करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक फहम दिया है. कोई आसान बात होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना? आसान बात नहीं होती. दूसरे ये कि ये इतना इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है, ये इतना इम्पोर्टेंट सेमिनार है कि मैं भी इन तमाम हजरात ग्रामी को से अर्ज कर रहा था कि काश के मैं, सर मुझे पता होता, मैं अपने सीएफओ को लेकर आता, अपनी टीम को लेकर आता और वो इसको अटेंड करते. इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप हजरात मुझे अपने पैनल पे रखें और अगली मरतबा मुझे बुलाएं ताकि मेरा सीएफओ भी आए और वो आपको आके गारमेंट्स इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस होते हैं वो बताए, कुछ आपको मैं बताऊंगा. तो ये बात पहली दफा इंसानियत में, इससे पहले कभी किसी ने ये बात नहीं की कि रसूलुल्लाह ने सबसे पहले ये बात कही कि सदका दो माल बढ़ेगा, और इस पर अल्लाह की कसम खा ली. अब ये तो मेरा छोटा जहन है कि मुझे ये बात समझ नहीं आई यार, सदका दो माल बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? सदके सदका आप लोग देंगे, पैसे वाले लोग हैं,
आपका सदका जाएगा गरीब आदमी के पास। गरीब आदमी ने करना क्या है? उसकी तो पहली ख्वाहिश है आटा खरीदूं, चावल खरीदूं, दाल खरीदूं, तेल खरीदूं, चीनी खरीदूं, चाय खरीदूं, जरूरत की चीज़ें। ये उसकी बेसिक ख्वाहिशात है बस। आपने दिया सदका उसको, आपने माल उसको दिया, उसने उसी माल से वो चीजें खरीद ली जो आप बेच रहे हैं, तो माशरे में एक रोलिंग शुरू हो जाती है। उस रोलिंग से जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। इस बात को हमने अपनी कंपनी में सबसे पहले अपनी कंपनी में प्रैक्टिस किया। सबसे पहले मैं म्यूजिक छोड़ चुका था, सोचता था कि क्या करूं। तो जो मेरा आखिरी कॉन्सर्ट था बर्मिंगम के अंदर, उसमें जो सैटरडे नाइट आई, तो उन्होंने ये बीबीसी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो बीबीसी ने हम लोगों को बोला कि भाई जाओ जाके गो वेयर समथिंग विच इज पार्ट ऑफ योर ओन कंट्री, गो वेयर समथिंग विच इज पार्ट ऑफ योर ओन कल्चर। तो वहाँ पर इंडियंस भी थे, श्रीलंकन्स भी थे, बंगालीज भी थे, मॉरिशिया से भी लोग थे और पाकिस्तान से हम थे। हम तो स्टेज के ऊपर जो कपड़े पहनते थे वो ये कपड़े ही नहीं थे, यही कपड़े थे हमारे पास, वो पाकिस्तान की कल्चर को तो रिप्रेजेंट नहीं करते थे। तो फिर हमने कहा हम तो कपड़े लाए नहीं, तो उन्होंने हमें टक्सीडोज वगैरह पहना दिए। आई हैव नथिंग अगेंस्ट टक्सीडोज, बट द डे आई वोर देम ऑन द स्टेज इट वॉज सच अ स्ट्रेंज फीलिंग फॉर मी दैट यू नो आई एम एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। वो एक मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैंने सॉ शाहरुख खान कमिंग अप ऑन द स्टेज ड्रेस्ड लाइक एन इंडियन प्रोडिजी। इट रियली शुक मी फ्रॉम इनसाइड because I wanted to represent Pakistan and I wanted to look somebody from Pakistan and I saw the moment we came up on the stage, the BBC was not so much interested, even though we were very popular at that time. When he came up with the entire Indian culture right around him, they focused on him. When the Bengalis came up on the stage with their entire culture around them, they focused the Bengalis and the Sri Lankans and everyone. That day I thought, I wish I was wearing something from Pakistan which was very contemporary and I could have worn that on the stage. Wo pehla mujhe khayal mein aa gaya tha. Music in the meantime we left. I left music in the meantime and I was thinking of doing something. And you know, because all my life I did music, and as our convenience told you, I was basically an engineer. Business to mujhe aata nahi tha. So I was sitting in the masjid, you know, praying to Allah, Ya Allah, where should I go? Mujhe koi sira to de haath mein mere, koi sira nazar aaye mujhe. Main kya karun? Haan? Mujhe samajh nahi aa raha. Aur ek stage mere pe ye aa gayi ki maine aakhri 100 rupaye nikal ke apni biwi ko diye, जो मेरे पास आखिरी 100 रुपए थे। अच्छा। और मैंने कहा कल मुझसे न मांगना कुछ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, बस ऊपर अल्लाह है नीचे बस ये हालात है। लेकिन मैंने एक बात सुनी भी थी मौली तारिक जमील साहब से कि अगर तुम अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देगा। ये मैंने सुनी भी थी, ये हदीस के अल्फाज हैं। और मैं थोड़ी देर में कभी कभार सोचता था, मैं कहता था यार लोग सही कहते हैं, ये मौलवी मरवाते हैं लोगों को, मरवा दिया मुझे, कहाँ है वो चीज़। लेकिन मेरा दिल अंदर से कहता था नहीं, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है। मेरा दिल कहता था मुझे, ये मैं 2002 की बात बता रहा हूँ। सो सिटिंग इन द मस्जिद आई मीट दिस मैन हु केम कम्स अप टू मी एंड ही सेज यू नो भाई व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। आई सेड basically nothing, I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. I said, you know what, this is what happened with me, and I'd like to open a very contemporary label which has not just shalwar kameez but basically Pakistani product. And I said to them, I said, if
द वेस्ट कैन एक्सपोर्ट जीन्स एंड बियर टू अस एंड जीन्स एंड टी शर्ट टू अस, व्हाई कांट वी एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट्स टू देम? हमारा क्या कोई कल्चर नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है? उसने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है. बिल्कुल सही बात है. द बेसिक आइडिया फ्रॉम दिस इज फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. आई सेड हम भी तो कुछ दें उनको. तो उसने कहा क्या करें? मैंने कहा चलो कपड़े बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं. हमने दोनों ने कहा ठीक है. अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने कहा क्या करेगा? उसने बोला यार देखो स्टार्ट ऐसे होगा, जुनेद भाई 25 लाख आप दें, 25 लाख मैं लाऊं. अब उसने 25 लाख बोल दिया और मैं 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए बीवी को देकर आ रहा हूँ. और बड़ी अपना अपना स्टैचर बिल्कुल रख के ओके मैं सोच रहा हूँ 25 लाख कहाँ से होंगे, 25 लाख आप लें, 25 लाख मैं लाता हूँ. मैंने कहा जी ठीक. तो मैं घर गया, घर बैठ के सोचा, मैंने कहा क्या है, क्या बेचूं, क्या बेचूं, क्या बेचूं. एक दोस्त को मैंने बोला, उस जमाने में ये भी पता चल गया कि कौन दोस्त है, ये दोस्त किस चीज का नाम है, क्योंकि सबको पता था कि ये इस वक्त मुश्किल में है. तो यकीन करो 50 की चीज हर एक मुझे 25 कोट करता था. 25 ले लें जुनीद भाई, यही दे सकते हैं. ये अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ. मुझे उस दिन पता चला, उस जमाने में अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने 25 की जगह कहा नहीं यार आप रखें ये, चलो बाद में कर लेंगे, देख लेंगे. ऐसे भी मिले, लेकिन ऐसे भी मिले कि जिन्होंने एक्सप्लॉइट करके मेरी कमर ही तोड़ दी. बुरे वक्त में भी इंसान की पहचान होती है. मेरा कचूमर ही निकाल दिया, उनका बस नहीं चला कि मेरा कचूमर ही निकाल दे, मुझे जान से ही मार दे. इस वक्त जो कर सकते हैं इस आदमी के साथ करें, क्योंकि ये सब परेशानी में. तो वो कहते हैं ना कि खैर, तो मैंने जाके कहीं से इसको बेचा, उसको बेचा, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सब बेच बचा के उसको जाकर 25 लाख रुपए किसी तरह करके दिए. मैंने कहा मुझे एक हफ्ते का टाइम दिया, एक हफ्ते बाद मिलते हैं. एक हफ्ते बाद 25 लाख उसने रखे, 25 लाख मैंने रखे, और 50 लाख रुपए का हमने कपड़ा खरीद लिया. और अभी रमज़ान आने वाला था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो इसके पैटर्न बनवाते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क किसके हाथ में. वो जो पैटर्न काटा तो पैटर्न छोटा कट गया, 25 लाख रुपए गए, और मैं सर पकड़ के बैठ गया. और मैं कहूं या अल्लाह क्या हो गया, मुझे किसी क्या गुनाह की सजा मिल रही है, ये क्या है कि हम दोनों बैठे हुए, उसने भी सर पकड़ के बैठा हुआ, मैं भी सर पकड़ के बैठा हुआ. वो तो खैर अमीर आदमी था थोड़े, उसके पास तो पैसे थे. मैंने उसको, मैंने कहा यार अब क्या करें? कहता है यार फिक्र ना करें, कुछ देखते हैं. अब आई नो कि कुछ नहीं होने लगा, तबाही है, तो कोई भी नहीं खरीदेगा इसको. लार्ज मीडियम बन गया, मीडियम स्मॉल बन गया, और स्मॉल तो इतना स्मॉल बन गया कि हैं वो फिटेड हो गया. कि एक साहब मिलने आए हमें कि जी वो देखिए एक पार्टी आई है बांग्लादेश से, उनको शलवार कमीज चाहिए, लेकिन जुनेद भाई उनकी रिक्वेस्ट है पैटर्न थोड़ा छोटा कर दें. मैंने कहा यार देखो तुम्हें पता है छोटा पैटर्न जरा मुश्किल से कटता है, ठीक है थोड़े पैसे एक्स्ट्रा होंगे उसके. उन्होंने कहा हाँ हाँ वो पैसों का तो कोई मसला ही नहीं, उनको तो बस शलवार कमीज चाहिए पाकिस्तान से. हमने कहा ठीक है आप 2 दिन बाद आके ले लीजिए. तो वो जो चीज़ अल्लाह माफ़ करे, आज जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ 500 रुपये की बेचनी थी वो 600 रुपये की बेच दी, जो चीज़ पूरे महीने बेचनी थी 2 दिन में बेच बाज के, पूरे रमज़ान जो बेचना था सब बेच बाज के बैठ गए दोनों के. अब क्या करें, 2 दिन में बेच दी सब बिक गया और पैसे आ गए. तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये कुछ अल्लाह का क्या अजीब निज़ाम चल रहा है. तो मैंने उसको अपने साथी से कहा देखो तुमने मेरे साथ आगे भी काम करना है या बस एक यही काम करना है? उसने कहा मैंने आपके साथ आगे भी काम करना है. मैंने कहा तो चलो फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास, उनसे पूछो हम काम करें तो किस तरह करें. हम दोनों मुफ्ती तकी साहब के पास पहुँच गए, मुफ्ती साहब के पास बैठे. अच्छा मैं मुफ्ती साहब से मेरा ताल्लुक था, इनको भी जानते थे मुफ्ती साहब. तो मुफ्ती साहब कहने लगे भाई 3 काम करो. पहला काम ये लिखो ये कारोबार खत्म कैसे होगा, ये जे डॉट खत्म कैसे होगा, ये लिखो पहले. दूसरा काम, पहला काम ये सबसे आसान है, अब इससे और मुश्किल काम वो ये
कि अजम करो इस बात का एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे तुम दोनों। ये उससे मुश्किल काम कहा। और अब तीसरा सबसे मुश्किल काम, ये नियत करो कि इस कारोबार से तुमने लोगों को नफा पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना सबसे मेन चीज जो। अगर ये तीन काम तुम लोगों ने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। तो जिसका पार्टनर ही अल्लाह हो जाए उसे कारोबार करने की क्या जरूरत है, उसको तो आके ICMA के अंदर बातें करनी चाहिए दुनिया जहान की। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने बना कर लिया, मैंने दिमकान कर लिया, हालांकि किया कराया कुछ भी नहीं। सच बात है ये। तो सबसे पहला काम ये किया हमने। मैंने उसको बोला कुरान पे हाथ रख के देख, अल्लाह ने चाहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा अल्लाह ने चाहा मैं भी आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ये आज से 15 साल पहले की बात है। फिर दिन और रात बैठकर हम ये सोचते थे कि हम लोगों को फायदा कैसे पहुंचाएं। हमने एक कपड़ा बनाया, वो कपड़ा कॉटन का। सबसे पहला काम जो हमने किया वो ये किया कि ये जो मरावा एक निज़ाम था खटियों का, इसको जिंदा किया, जिसकी वजह से तकरीबन 10,000 लोगों की जॉब्स लग गई। अच्छा, एक डाइंग आर्ट था बिल्कुल। वो औरंगी टाउन में जाकर पकड़े हमने पुराने बाबे, उनको बुलाया तुम आओ ये खड़ियों का कपड़ा बनाओ। ये खड़ियों का कपड़ा ऐसा ही है जैसे हैंडमेड शू और हैंडमेड क्लॉथ। अच्छा, मतलब बिल्कुल जब खत्म हो गई वो चीज को दोबारा शुरू किया। कि अगर आपको मैंने एक दफा आपने मेरा कुर्ता पहन लिया जो खड्डी का बना हुआ है, हो नहीं सकता कि दूसरा कोई कुर्ता आपसे पहना जाए उसके बाद। वो ऐसे जिस्म से मुलायम तरीके से जिस्म पर आकर लग जाता है। उस कपड़े की हम मुंह मांगी कीमत ले सकते थे। आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। हम चाहते तो क्या कर जाते, लेकिन नहीं किया हमने। ठीक है, पहला काम हमने कहा और दो लोगों को, और दो लोगों को, और दो लोग पसंद करेंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं कि हम क्या कर सकते थे, हमने क्या नहीं किया, सिर्फ इस तीसरे पॉइंट को सामने रखने के लिए। वो तीसरा पॉइंट क्या है, लोगों को फायदा पहुंचाना, नफा पहुंचाना। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा तीसरा पार्टनर हमको छोड़ के चला जाए। मैं आपको क्या क्या बताऊं तीसरे पार्टनर ने क्या क्या कुछ किया। पिशावर पहुंचे मैं और मेरा साथी। मैं आपके सामने वो एक्सपीरियंसेस आप की तकवियत के लिए बता रहा हूं, आप अपनी कोई बड़ाई नहीं बता रहा, आपकी तकवियत के लिए बता रहा हूं कि कल जब आप ऐसे करेंगे ना तो घबराना मत। हम कहते हैं मल्टीनेशनल आए हमारे मुल्क में, बहुत अच्छी बात है आए, इसमें क्या है, लेकिन यार हम में खुद में क्या कमी है, आप मुझे ये बताओ। हम सीधे हो जाएं, खुदा की कसम जरूरत नहीं हमें किसी मल्टीनेशनल की, क्योंकि हमारा दिमाग तो इतना तेज है। देखो ना बेईमानी करके हम कितना कुछ कर लेते हैं, ईमानदारी तो अगर इसी दिमाग को सीधा चलाएंगे तो क्या करेंगे। सही बात है। आप देखिए चक्करबाजियां चक्कर दे देकर हम क्या क्या कुछ नहीं कर लेते। अगर यही दिमाग सीधा चले पाकिस्तान, अरे भाई भूल जाएंगे लोग जापान को और कोरिया को, भूल जाएंगे लोग। अगर वल्लाह यकीन करो अगर हम इस एक बात को सामने रख लें, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं नहीं कर सकता, दुनिया को नहीं पता क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं हमें क्या सिखाया गया है। अगर मैं आज आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार तू पागल है, मेरे नबी ने क्या बोला। देखिए मैं सर की गाड़ी खरीदने आया, उनकी गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब पहला काम क्या करूंगा, इनकी गाड़ी की बुराइयां शुरू कर दूंगा। सर ये तो इसके इधर भी इधर डेंट लगा हुआ है, इसके तो उधर भी वो लगा। अच्छा पहले क्या होगा, पहले ये थोड़े से डिप्रेस होंगे, फिर इनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, फिर ये ठंडे हो जाएंगे, गुस्सा नहीं खाएंगे, फिर ये कहेंगे इसको मेरी गाड़ी पसंद है, अब तो मरता मर जाए मैं इसकी कीमत कम नहीं करूंगा। ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया, कभी मत करो ये। इसके बरक्स मैं सर के पास आया, सर वेरी वेल मेंटेन्ड कार, आप तो इसका मतलब गाड़ी का ख्याल रखते हैं। सर मुझे तो देखते ही अच्छी लग गई, लेकिन सर यकीन करें आप ये मांग रहे ना, मेरे पास इतने हैं नहीं, ये दे सकता हूँ, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे दे दें। तो ये जब मुझे अपनी गाड़ी देंगे, इतने बड़े दिल से देंगे, हाँ।
ठीक है, कम भी करेंगे, कहेंगे यार कम कर देता हूँ, चलो कोई नहीं, जाओ जो नहीं दयाशी करो, देखो मेरी गाड़ी का ख्याल रखना, कम में बेच रहे हैं लेकिन खुश कितने हैं, यार इसने मेरी गाड़ी की तारीफ, इसने मेरी गाड़ी को रखा। सही बात। आपको पता है हमें क्या सिखाया गया है खरीदते वक्त किसी चीज को, पता है आपको अल्लाह के नबी ने क्या बोला जब किसी चीज को खरीदो तो कैसे खरीदो? मैं आपको बताता हूं, एक सहाबी ने के पास गुलाम घोड़ा लेकर आ गया, हजरत ये देखा आपने ये घोड़ा, ये 300 दिरहम का फाइनल हो गया है, ये आदमी 300 दिरहम में दे रहा है मुझे। तो उन्होंने उस घोड़े को देखा, फिर उस आदमी को देखा, बोला सुनो अगर मैं इसके 400 दिरहम कर दूं तो मेरे को इतराज़ तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं नहीं हजरत। तो मतलब क्या मतलब? अच्छा ऐसे करो अगर 500 कर दूं, 600 कर दूं, 700 कर दूं, 800 तक ले गए 300 दिरहम के घोड़े को, 800। अरे तो गुलाम भी पागल हो गया और वो बायर भी समझा कि ही इज अ क्रेजी मैन, तो उसको 800 दिरहम दिए, यार ये रख ले, ये रख ले और ये घोड़ा मुझे दे दे। गुलाम ने कहा सर क्या किया ये आपने? कहा बात ये है कि मेरे नबी ने मुझे ये बात बताई कि अगर कोई चीज खरीदने लगो तो अगर उसकी कीमत कम हो तो तुम कम कीमत मत देना, उसकी हत्तुल इमकान जितने तुम्हारे पैसे हो ना जितने दे सको उसकी वो कीमत देना। ये मुझे मेरे नबी ने सिखाया। ये था 1000 दिरहम का, मैंने तो 200 दिरहम कम दिए। ये मिजाज हमें सिखाया गया, ये मिजाज हमें सिखाया गया, और इस मिजाज की बुनियाद पर क्या हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ऐसे आदमी जकात लेकर खड़ा होता था, कहता था भाई कोई ले ले जकात, और एक आदमी जकात लेने वाला नहीं था। अच्छा आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपको क्या कहता है, हमारे हमारे रेवेन्यू में कितने बिलियन डॉलर हैं? कितने बिलियन डॉलर हैं जी? 16 बिलियन। कितने जी? 8 बिलियन। 20 बिलियन वो बताता है आपको हमारे उसमें है। सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली के दौर में जबकि मुसलमानों की खुशहाली अपने उरूज पे थी, रोजाना बैतुल माल में झाड़ू फिरता था, पूरा झाड़ू मार के दे देते थे लोगों को, साफ कर देते। यहां 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 पर सक्सेस का मयार क्या है? 16 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। और आइए मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे आदमी के घर पे जिसके 5 बच्चे हैं, 1500 रुपए महीना उसको मिलता है, उन 5 बच्चों में कैसे गुजारा करता है? उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है, ऐसा एक दो नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूं, चले मेरे साथ, ऐसे एक दो नहीं है, ऐसे हैं सैकड़ों भी नहीं, हजारों लोग हैं, हजारों हैं ऐसे। फलां बैंक बता रहा है अरे यार हमारी सक्सेस देखो 2.5 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। भाई 2.5 बिलियन तेरे अकाउंट में होना क्यों चाहिए? गिनती के तुम 6, 4, 50, 60, 200, 250 तो लोगो, तुम लोग 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है, 250 मिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर, 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है, क्यों भाई क्यों है तुम्हारे अकाउंट के अंदर? ये निकल के माशरे में क्यों नहीं जा रहा? सूद ये करता है, कुछ गिने चुने लोगों के पास पैसा आ जाता है माशरे में, और माशरे का खून और हड्डियां सब बाहर निकल जाती हैं लोगों के जिस्मों से, और लोग फिर अल्लाह की तरफ से फिर हालात उतरते हैं, लोगों के दिलों में नफरत अल्लाह डाल देते हैं, लोगों के दिलों के अंदर खुदगर्जी आ जाती है। ये आसमान से फैसला होता है, ऊपर से फैसला होता है, अमन हटा लो इस माशरे से तो अमन हट जाता है, खौफ का लिबास पहना दो इनको, खौफ का लिबास पहना दिया जाता है, हर आदमी खौफ में डर रहा होता है, डर रहा होता है बस, एक डर में अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ऊपर से फैसला होता है। हम इस फैक्टर को बीच में से निकाल ही देते हैं, डिस्कस ही नहीं करते। रिज्क के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है? वफिस समा ए रिज़्क़ुकुम वमा तूअदून। मेरे बंदे किसी खुशफहमी में ना रहना, जिस रिज्क का तुझसे वादा किया गया है वो तो आसमानों से उतर रहा है, वो उसका जमीन से तो उसका ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। ये बैकग्राउंड था मेरे और मेरे दोस्त का, जब हमने ये काम शुरू किया हमने अल्लाह को साथ लिया,
ऐसे एक बैग मेरे हाथ में था, एक बैग उसके हाथ में था, और पेशावर की गलियों में हम फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े को रख ले, कोई हमारे कपड़े रखने को तैयार नहीं था। तो पेशावर में एक सड़क है अरबाब रोड, उसके ऊपर इधर भी दुकानें हैं। तो हम अरबाब रोड पे ऊपर नीचे दोनों फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े रख ले। ईद के दिनों में कोई रख नहीं रहा था, एक बैग, दो दो बैग हम दोनों ने पकड़े हुए। हम सड़क पे फिर आखिर ऐसे थक के खड़े हो गए कि क्या करें अब, क्या करें, कि मेरे कंधे पे किसी ने उससे पीछे से हाथ रखा। मैंने से पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा एक खान साहब खड़े हैं। हमसे तुम इधर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी लाला कुछ नहीं, मैं तो ऐसे दुकानों को कपड़े शपड़े, सुनो मेरा बाप तेरे को बड़ा पसंद करता है, ज़रा मेरे साथ आ। मैंने कहा जी अच्छा जी, मैं चला गया उसके साथ। तो वहाँ गया तो वो खान साहब थे बड़ी उम्र के, वो बैठे हुए थे, उनके साथ चार बच्चे बैठे हुए थे उनके। तो वो मुझे देख कर कहते हैं तूने गाना छोड़ दिया? मैंने कहा जी मैंने छोड़ दिया। पक्की बात है? मैंने कहा जी पक्की बात ही है, अब तो कपड़े लेके बेच रहा हूँ आपके सामने। ये दुकान देख, ये चाहिए तेरे को? एक डबल स्टोरीड बड़ा सा एक प्लाजा टाइप एक बड़ी दुकान। अब मेरी औकात तो 25,000 रुपये महीना देने की भी नहीं थी, ठीक खड़ी। और वो हम मुझे बुजुर्ग कह रहे हैं ये पसंद है तेरे को? अच्छा, और इन द हार्ट ऑफ अरबाब रोड, इन द हार्ट ऑफ सदर पेशावर, क्या बात है। जो सड़क से वहां से एंटर करेगा सबसे पहले उसको ये दुकान नजर आएगी। मैंने कहा बुजुर्गवार मैं पसंद तो बहुत है लेकिन मेरी तो औकात ही नहीं इसको खरीदने की। नहीं नहीं अपने मुंह से बोल क्या देगा इसके। मैंने कहा हजरत आपने पहले कितने में दी हुई थी? पहले मैंने 2,50,000 रुपया महीना में दी। मैंने कहा लो जी मुक गई गाल फिर। 2,50,000? हां जी 2,50,000 में दी हुई। तो मैं कम करते करते भी 1,00,000 बोलूं, मैं 1,00,000 नहीं दे सकता। कितना कम करेगा कोई? अरे कुछ तो बोल अपने मुंह से। बैठा मैं, अच्छा 65,000 दे सकता है? मेरी सांस में कुछ सांस आई। मैंने कहा जी 50,000 दे दूंगा, डन। वो मल्टी स्टोरीड दुकान उसने मुझे और मेरे पार्टनर को दे दी, जबकि हम दोनों ऐसे बेवकूफों की तरह उसको देख रहे और बैग पकड़े हुए हमने, कि यार ये दुकान हम दोनों की। और धड़ाधड़ हमने उसमें सामान भरा। मैं क्या बताऊं, वो आज भी अरबाब रोड की पेशावर की सबसे खूबसूरत दुकान है। अगर आप कभी जाएं वहां पर तो आप देखेंगे वो जो जुनेद जमशेद की वो वाली शॉप है। मैं आपको अल्लाह का निज़ाम बता रहा हूं हमारे साथ चला कैसा। वो हुआ 5 साल की उसके साथ डील की। जब 5 साल पूरे हो गए तो मैं थोड़ा सा सेटल हो गया। उस बाबे का मुझे फ़ोन आया कि तेरे को याद है तुझे मैंने ये दुकान किस तरह दी थी? मैंने कहा हाँ जी मुझे बड़ी सी तरह याद है बुजुर्गवार। उस वक्त तूने पैसे बोले थे, अब मैं बोलूँगा। मैंने कहा जी कितने? अब मैं लूँगा 3,00,000 रुपये महीना। अच्छा। मैंने कहा जी डन, अब आप 3,00,000 ले लें। आपने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, आज मैं आपके लिए करूंगा। ऐसे लोग हो ना दुनिया में तो बिजनेस में क्या नहीं, दोनों तरीके के लोग हैं ना, फिर ये तो चीज है। कांस्टेंट रीइन्वेस्टिंग, हम लोगों ने उसमें से पैसा नहीं निकाला, अपने अकाउंट्स में नहीं डाला, हमने उसको रीइन्वेस्ट कर दिया। सबसे अच्छी चीज, एक चीज चलना शुरू हुई, जेंट्स चलना शुरू हुए तो लेडीज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू। लेडीज के लिए करें, ठीक है। कोशिश ये की अल्लाह का हुक्म ना टूटे। हमने जब लेडीज किया हमने कहा नहीं, औरत की शक्ल बोर्ड पे नहीं लगाएंगे। औरत की शक्ल इतनी बेकीमत नहीं है, इतनी कम कीमत की नहीं है कि हम औरत की शक्ल लगा कर तो बेचें। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, राज़िक कोई औरत थोड़ी है या कोई मॉडल थोड़ी है या कोई एक्ट्रेस थोड़ी है, ठीक है। और फिर सेकेंडली हम एक मुसलमानों के माशरे में रहते हैं, यहाँ औरत की एक डिग्निटी है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। हमने कहा नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमने बस जो भी कभी कुछ समझ में आया कर दिया। अल्लाह ने उसको भी चलाना शुरू कर दिया। जब वो भी चलना शुरू कर गया तो फिर हमने कहा आर नेक्स्ट स्टेप शुड बी वो स्टेप जो आज से 8-9 साल पहले सोचा था हमने। वो क्या है? पाकिस्तानी प्रोडक्ट नाउ शुड गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब लेके जाओ इसको और वहां के लोगों को दिखाओ कारोबार कैसे किया जाता है। मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं जरा सी। वो लोग, उनका काम क्यों चल रहा होता है, हमारा नुकसान क्यों हो रहा होता है। मैंने एक स्वेटर पहना 50 पाउंड का मार्क्स एंड स्पेंसर से, ठीक। 6 महीने पहन के मैंने कहा यार तो सर्दियां आ गई और पाकिस्तान में कौन पहनेगा, इसको वापस कर देता हूं।
छः महीने पहन के वापस कर देता हूँ। मैं गया और गया जाके वॉलमार्ट, गया जाके मार्क्स एंड स्पेंसर ढूंढी और ये बोरी गया। मैं यू नो आई डोंट लाइक दिस स्वेटर एनी मोर। व्हेन डिड यू बाय इट? आई डोंट रिमेंबर। सर डू यू हैव अ रिसीट? नो आई डोंट हैव अ रिसीट। ओके नो प्रॉब्लम। सर टेल मी व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट अ रिफंड और डू यू वांट एन एक्सचेंज? आई'ड रादर हैव अ रिफंड। ठीक है, 50 पाउंड लिए उससे, जेब में डाले और अब बाहर निकल रहा हूँ ये कहते हुए, क्या कहते हुए, यार कैसा फुद्दू लगाया इसको। हाँ ठीक है जी, ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया। अच्छा अब इधर आ जाओ, कराची आ जाओ, कराची आ जाओ। तो अब मैं अपनी दुकान पर बैठा हूँ तारिक रोड पर, इकबाल साहब आ गए खरीद फरोख्त करने के लिए मेरे पास। अब मैंने इनको देखा था इधर ICMA के प्रोग्राम के अंदर, मैं तो देखते ही पहचान गया इनको। ठीक है जी, आइए 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 इकबाल साहब, मैंने कहा एक मोटी असामी आ रही है, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। सर कैसी तबीयत? ठीक ठाक। आओ भाई लड़कों आओ, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं यार को 25-30 हज़ार तो खुले कराऊँ इसके, ये भी लीजिए ये भी लीजिए ये भी, अरे ये भाभी के लिए देखिए ये देखिए ये देखिए, कर करा के 8-10 बैग बना दिए इनके, 25-30-35-40 जो भी इनका बजट था करवा दिया। ये खुशी खुशी लेके चले गए। अगले दिन मैं उसी टिल पे बैठा हूं, अगर इनको मैं देखता हूं एंटर करते हुए और इनके हाथ में बैग देखता हूं, आपका क्या ख्याल है ये उन बैग्स के साथ क्यों आए हैं बताएं जरा? रिटर्न करने। देखिए आप तो इस काम को करते नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं वापस करने आए हैं। मैं तो इस काम को करता हूं, मुझे नहीं पता होगा कि ये वापस करने आए हैं। अब मुझे पता है यार ये वापस करने आए हैं, तो मैं फिर मुंह भी इधर कर लिया मैंने। इकबाल साहब आए, जी जी कौन? मैं इकबाल। हाँ जी इकबाल तो बहुत सारे हैं, आप कौन से वाले हैं जी? अच्छा हाँ हाँ ठीक है जी, काम क्या है आपको? मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी इनको इनके पैसे वापस ना करूं। ठीक है जी, अब आप मेरी दुकान, और ये जाएंगे एक टूटे हुए दिल के साथ, ठीक है, पूरी कोशिश होगी इनके पैसे वापस ना करूं। अब आप मेरी दुकान का साइज देख लीजिए और आप वॉलमार्ट का साइज देख लीजिए, जहां वापस होता है। मेरे नबी का इरशाद है, तुमने कोई माल किसी को बेचा, उसको पसंद नहीं आया, तुमने कोई माल किसी को बेचा और बेच के वापस ले लिया, तो जन्नत के वस्त में तुम्हारे लिए एक महल की मैं जमानत देता हूँ। अब आप बताओ, हाँ वो 350-400 किसका कारोबार चलेगा, मेरा या उनका? मैं एक दुकान पर पहुंचा, यहीं पर मेरी नजर पड़ गई, खरीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। खैर मेरा तो इरादा नहीं था उसको वापस करने का, तो मैं उससे चीजें ले रहा था। मुझे कहा जुनैद भाई आप तबलीग में जाते हैं, अरे दुआ करिए मेरे लिए, मेरा कारोबार चले। मैंने कहा चल अगर मैं कसम खा लूं अल्लाह की तेरा कारोबार चलेगा फिर। है वो कैसे? मैंने कहा ये बिल्ला उतार दे ऊपर से। कहता जी ये तो नहीं उतर सकता। मैंने कहा फिर वो भी नहीं हो सकता। हम क्या अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह पहले सब मामले ठीक कर दे इसके फिर हम सीधे हों। ये तो बिल्कुल, और अल्लाह के यहाँ क्या है, पहले खुद ठीक हो जाओ, इसके बाद सारे मामले ठीक हो जाएंगे, ठीक कर देंगे। मैं बात खत्म करता हूँ। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ। अरे मेरे बंदे सबको छोड़ मुझसे डर के जिंदगी गुजार, मैं तेरी हर मुश्किल दूर कर दूंगा और रिज्क तुझको। बहुत ही अच्छी स्पीच थी, आधा घंटा पता ही नहीं चला। दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर हम इंडिया के बिजनेसमैन को देखें जो इतने बड़े बड़े मतलब टाइकून्स हैं बिजनेस के, हमने आज तक किसी को ऐसी स्पीच देते हुए नहीं सुना है कि आपको बिजनेस करना कैसे है, क्या टैक्टिक्स होते हैं। हर कोई बिजनेसमैन जो आता है वो मतलब बुक्स पढ़ा हुआ होता है, किसी का कोड बता दिया कि उसने ऐसे करा था उसने वैसे करा था, अपनी स्टोरी शेयर कर दी, और मोस्टली जो उनकी स्टोरीज होती हैं उनमें कहीं ना कहीं चीटिंग अवेलेबल होती है। चीटिंग उसमें दिख जाएगी कि आपको इन्होंने, हाँ इन्होंने कोई चीज़ ऐसे ऐसे करी थी, इन्होंने इस तरीके से इसको बेचा, तब जा करके इन्होंने कुछ कमाया और फिर उसको इन्वेस्ट करके फिर आगे बिजनेस करा। लेकिन इस्लाम जो बताता है बिल्कुल इसके अपोजिट बताता है कि चाहे तुम्हें नुकसान क्यों ना हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन अपने सामने वाले जिसको जो बेच रहे हो उसको नुकसान मत करने दो, उसको नुकसान मत होने दो। बिल्कुल, और फिर इन्होंने हदीस के हवाले से भी उस चीज़ को अल्लाह को नज़र में रखते हुए कि हमें जो है कोई देख नहीं रहा है, मैं चाहता तो चीट कर सकता था सामने वाले को, और उनके लिए कोई मुश्किल भी नहीं था, वो चाहते तो मुंह बोली कीमत भी ले सकते थे उन सामान की, लेकिन उन्होंने देखा कि अल्लाह जो है मुझे देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है पर उसकी नज़र मेरे ऊपर है, और उस डर से उन्होंने अपने बिज़नेस को शुरू किया और फिर इस मुकाम तक पहुँचाया। ये आज की जनरेशन के लिए एकदम परफेक्ट स्पीच है, हम लोगों के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हमने जुनैद जमशेद साहब को सुना,
और मुझे नहीं पता था कि ये स्पीच ऐसी होने वाली है, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के लिए तो ये बिल्कुल एकदम माइलस्टोन जैसी स्पीच है कि अगर वो इसको सुन लेते हैं तो उन्हें जिंदगी जीना आ जाएगा। हाँ। कि हमें जिंदगी करनी कैसी है, गुजारनी कैसी है, जो जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, बिजनेस के पीछे, पैसे के पीछे तो हर कोई भाग रहा है, तो वो जो भाग रहे हैं हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, अगर हमने ये स्पीच सुन ली तो दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी सिर्फ एक इस काम को करने की वजह से। इसको सुनने के बाद माइंड इतना फ्रेश हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसने हमें बहुत अच्छा लाइफ लेसन दिया है, लाइटिंग कर दिया अच्छे से, समझा दिया है कि आप, क्योंकि ना ये सिचुएशन आज के टाइम में सबके साथ हो रही है, हर कोई काम के पीछे भाग रहा है, हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है और वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए क्योंकि वो ये सोचता है कि हम जो है दूसरे को नीचे करके अपने आप आगे बढ़े। जो कि उन्होंने बताया कि अगर इस तरीके से काम होता है, लोग चीटिंग करने लगते हैं, धोखेबाजी करने लगते हैं, चीज बताते कितने की और फिर बेचते कितने की है, तो वहाँ पे वो ईमानदारी का चोला और वो जो अमन होता है वो हट जाता है, फिर नफरत का जो दामन होता है वो उस पर डाल दिया जाता है, फिर वो नफरत में खौफ में जीते हैं लोग, जैसे कि अभी हालात हैं मुल्कों में कि महंगाई बढ़ गई तो लोग परेशान है कि हम कैसे खरीदेंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा आगे जाके, तो ये परेशानी किसकी तरफ से है, ये हमारी ही करीबी चीज़ है। बिल्कुल, तो अभी हम इसके स्पीच के बारे में जितना भी बोले वो कम है, पर वीडियो क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ऑलरेडी 32 मिनट्स की थी और फिर अगर हमने ज़्यादा बोला तो वो और लंबी 40 मिनट की वीडियो आराम से हाँ हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, आपने हमें ये वीडियो सजेस्ट की और इतनी अच्छी वीडियो थी कि इंसान को अल्लाह चाहे तो वो क्या थे, ये पहले सिंगर थे और उन्होंने फिर उस इंडस्ट्री को छोड़ के इन्होंने अल्लाह का शुरू किया का अपना, और फिर वो ऐसे शुरू हुआ कि मतलब जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, कोई एक पर्सन आपके पास बैठे बैठे आ जाए और फिर आपको ऑफर करे बिजनेस और आपके पास वो चीज ना होते हुए भी हो जाए। हाँ। और जिस तरीके से इन्हें दुकान मिली, मतलब ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ही सब कुछ प्लान है और सब कुछ वही करवाया है कि तुम्हें कहाँ से क्या मिलेगा, उस चीज का इनाम मिला जैसे उनको कि उन्होंने सबर का फल मिला या फिर उस चीज का इनाम दिया है ऊपर वाले ने, तो बहुत ही ब्यूटीफुल और लास्ट स्पीच थी तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और ऐसी स्पीच सुनने के बाद इंसान और मोटिवेट होता है अपने काम को करने के लिए। सो थैंक यू सो मच और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।